हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे सेफ और साउंड होंगे। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू के पकौड़े। कद्दू के पकौड़े बनाने के लिए पहले हमें कद्दू को पतले पतले पीसेस में काट देना है। फिर उसके बाद एक बाउल लेना है। बाउल में 4 टेबलस्पून के करीब बेसन डालना है। बेसन के बाद 2 स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर डालना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं है तो आप राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं, मतलब चावल का आटा। फिर उसके बाद 1/2 स्पून नमक डालना है, 1/2 स्पून चिल्ली पाउडर डालना है। आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आपके टेस्ट के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून चाट मसाला, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमें घोल बनाना है। घोल बनाने के लिए बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाइए और चम्मच की हेल्प से बेसन और पानी को मिक्स कीजिए। आप एक साथ पानी मत डालिएगा, नहीं तो हमारा जो घोल है ज़्यादा पतला बन जाएगा। फ्रेंड्स, चम्मच की हेल्प से देखिएगा कि ताकि बेसन का गांठ ना बन गए हो। अगर बेसन का गांठ बन जाएगा तो पकौड़े बनाते समय अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो चम्मच की हेल्प से आप अच्छे से मिक्स कर लिए। फिर उसके बाद जो कद्दू हम काट के रखे हैं उसे 1 मिनट के लिए डुबो के रखिए। आप देख सकते हैं मैंने 1-2 मिनट के लिए कद्दू को बेसन के घोल में डुबो के रखा था। कितनी अच्छी तरह से सारे मसाला को एब्जॉर्ब कर लिया है। हमारा तेल गर्म हो गया था, मैंने उसमें कद्दू डाल दिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से पकौड़े बन रहे हैं। अब एक साइड में हो गया था तो मैंने पलट दिया। बीच में थोड़ा हल्का हल्का सा जो दबा दीजिए, फिर पलट दीजिए। देखिए कितने रेड और फूले फूले बन रहे हैं हमारे कद्दू के पकौड़े। फ्रेंड्स, हमारे कद्दू के पकौड़े बनके रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, कि बहुत टेस्टी लगते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।